subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपका संविधान भी सर इनको न्याय देने के लिए प्रावधान है सर। सर मैं अपनी बात मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है सर, मुझे सर अपनी बात रखने का अधिकार है। डीसी साहब ने सर डीसी साहब ने मुझे एनजी का चार्ज दे रखा है, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है सर। क्यों ना सर, अगर ये कोई आतंकवादी छोड़ी है, अगर ये कल पक्के हो जाएंगे तो बजट तो सरकार देगी ना, मेरे घर से जाएगा ना सर आपके घर से जाएगा, बजट तो सरकार देगी ना सर। अगर एज पर लो अगर केस प्रॉपर तरीके से पुटअप हो जाए, क्या मेरा जाता है सर, क्या आपका जाता जी। मेरी 9 साल की सर्विस में मेरा 10वां ट्रांसफर है सर। ये मैं पर्सनली नहीं कहने लग रहा सर, मैं सिर्फ ये कहने लग रहा हूं जहां पे हम जाते हैं कोई वीसी हो जाए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई इलेक्शन हो जाए, सबसे ज्यादा बर्डन हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा जूनियर प्रोग्राम के ऊपर होता सर। तकरीबन ये कहा जाता असिस्टेंट इज द बैकबोन ऑफ द ऑफिस, बट असिस्टेंट इज नॉट बैकबोन ऑफ द ऑफिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर जेपी इज द बैकबोन ऑफ द ऑफिस। ये है सर हमारे बैकबोन, 50% हमारा सर ये काम करते हैं। अगर इनका केस हम पुटअप कर देते हैं, अगर इनको रेगुलर पॉलिसी में मिल जाता है, मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अगर बाई चांस कल कोई ऐसी पॉलिसी हो जाती है इनको फायदा लग जाता है, तो सर क्या हेड ऑफिस का जाता, क्या हमारे जाता सर, ना हेड ऑफिस के जेब से पैसे जाते ना मेरी जेब से पैसे जाते, इनको वो जाएगी। और सेकंडली सर मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं कि एक बार ना यहाँ पे साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे करनाल में कोई जूनियर प्रोग्राम था, जो हमारे डीसीओ साहब है श्री राजकुमार सर, तो वो उन्होंने तहसीलदार भी रहे हैं वो करनाल पे, तो वो एक्सपायर होगी, उसको कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिला। अगर कोई सरकारी कर्मचारी पक्का कर्मचारी अगर वहां से सर एक्सपायर होता तो उसका पक्का लाभ मिलता सर उसको। और तकरीबन सबसे दुखद बात यह है सर कि वहां का जो स्टाफ था व्हाट्सएप पे सर स्टेटस लगाने लग रहा है, मैंने खुद देखा कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 50 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 600, मैक्सिमम कितना कलेक्शन होगा सर, 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, क्या 3000 में उसकी जो है फैमिली को हो जाएगा सर एडजस्टमेंट। अगर वो सरकारी नौकरी में होता उसका पूरा लाभ मिलता। अच्छा बड़े घटिया, अगली मीटिंग में ना मैं आपकी जो रिकमेंडेशन है, ना ना सर मेरी रिवाड़ी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपकी जो रिकमेंडेशन है मैडम बढ़िया है जी, ये क्यूमुलेटिव जाने चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट से। मैं ना मैडम अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आज या कल मैं एज ए नायब तहसीलदार पूरे स्टेट में एक लेटर सर्कुलेट करूंगा और सभी तहसीलदार और नए तहसीलदारों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने बिहाफ पे प्लीज जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो भी जूनियर प्रोग्रामर है, प्लीज उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन भेजिए चंडीगढ़ में, ड्राफ्ट मैं भेज दूंगा आपको, उस हिसाब से भेजिए प्लीज क्योंकि इनको बिल्कुल भिजवा दूंगा, क्योंकि मैडम ना इनको भी अधिकार है, ये भी नौकरी करते हैं 1997 जब तक नौकरी करने लग रहे हैं, इनको भी अधिकार है पूरा, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे जो प्रोग्रामर हैं वो 22 से काम कर रहे हैं जी, 1997 से पोस्ट बन रही है, कुछ 1997 से कर रहे हैं, कुछ 2000 से कर रहे हैं, कुछ 2004 से कर रहे हैं, कुछ 2006 से कर रहे हैं, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर हमारी ईवीएम की रिपोर्ट 1 मिनट लेट आती है जिस पर डीसी साहब ने साइन करने होते हैं तो हमारी लेनी कर लेता है मुख्यालय, लेकिन जहां तक किसी कर्मचारी के भले की बात होती है यहाँ पे सांस भी निकालते बीच में वीसी खत्म करके बंद कर जाते हैं, और आज के बाद में वीसी अटेंड भी ना करता और हमारा कोई स्टाफ अटेंड नहीं करता, हम सारी एलईडी कटवा देंगे वीसी अटेंड नहीं करते हैं। ना 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 सर किताब है सर, ये हमारा प्रवीण है सर, 2004 से लग रहे, 2004 से लग रहा है जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सारा डाटा मैंने कहाँ से निकाला, मैंने अपनी जेब से निकाला, ये सारा डाटा इसने तैयार कर रखा हमारा, तो सिर्फ कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है थोड़ा करेक्शन कर दे ये कर दे, सारा काम तो ये करने लग रहे हैं। 50% तो इलेक्शन स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर या जेपी होते हैं, इनके बारे में बात आए मोरा चलो वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा फिर सस्पेंड कर देंगे। तो मेन बात यह है कि जब किसी के भले की बात आती है तो मुंह फेर के चले जाते हैं, अगर आपने बुरा की बात आती है एक मिनट के लिए, आज भी मुझे याद है पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा नहीं था तीसरी में, लॉजिकल एरर कितने हैं, कितने प्रकार के हैं हमारे डीसीओ साहब कहते हैं
17 प्रकार के लॉजिकल एरर हैं, मेरे सी जिद लगाओ 50 प्रकार के लॉजिकल एरर मैं दिखाता हूँ, 50 प्रकार के लॉजिकल एरर होते हैं। मात्रा आगे है तो वो भी लॉजिकल एरर है, नीचे डमरू के नीचे डे की मात्रा ना वो भी लॉजिकल एरर है, मैं दिखाता हूँ 50 प्रकार के, हमने ठो का काम कर रखा है। तो ठीक आपने बात आई, किसी के भला करने की बात आई, मुंह ठाक आपने, जैसे बाबा रामदेव भी सलवार पर के भाग गए थे, आपने बात आई तो आपने सलवार पर के भाग गए, बात है यहाँ पे यार लगले ये किसी काम के नहीं, किसी बात करना को फायदा नहीं। बोल रहे जी सर, हाँ जी, आपकी बात से सहमत है आपके ना, ना सर, अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो मेरी तरह जिगरासी है सर, ना 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 ना, मेरी बात से पूरे हरियाणा में कोई भी सहमत नहीं है, मेरी बात से सहमत होने का मतलब है शेर जितना जिगरा रखना, चार्जशीट हो जाओगे एक मिनट में सस्पेंड हो जाओगे, मेरी बात से सहमत सर, मैं 8 साल की सर्विस में 10 बार ट्रांसफर हो चुका हूँ, सस्पेंड हो चुका हूँ, चार्जशीट हो चुका हूँ, मेरे से सहमत होने का सर, राजेंद्र सर मेरे से सहमत होने का मतलब है शेर जितना जिगरा रखना जी, क्या करें सर, क्या करें, 10 मिनट ट्रांसफर हो चुके हैं, स्टाफ मिलता ये बैठे हैं ये कहते जी आप तो खाम खाई, आप तो कुछ भी आपके कार्रवाई हो जाता, आप खाम खा आपकी इंक्रीमेंट रुक जाती, कुछ नहीं होता, मामले डीसी से निकाल देता, ना हमारी इंक्रीमेंट लग रही, ना हमारा कुछ लग रहा, इतने साल से हम काम करने लग रहे हैं, आप 2015 में आए हो, ये 2004 से काम करने लग रहे, अब भी हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए, क्यों ना सर, अगर हम स्टाफ से काम करवाते तो दर्द उठता ना सर स्टाफ का, हम संदिग्ध वाले की तरह लिचर तो नहीं हो सकते ना, ये भाई ठीक है अपना फायदा देखा, रिपोर्ट आई ना आई, फलाना आएगा ना आएगा, सर जितने भी तहसीलदार और नए तहसीलदार मुझे सुनने लग रहे हैं, कृपा करके ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं कल जाते ही, कल मंगलवार है, मैं एक लेटर सर्कुलेट कराऊंगा जो नए तहसीलदार रेवाड़ी, जो अपना पूरा ड्राफ्ट भेजूंगा, जो हमारे कर्मचारी 1997 में लगे थे और जो सरकार की पॉलिसी है उससे पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे तहसीलदार और नए तहसीलदार अपनी तरफ से उनका अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके अंदर काम करते हैं या जो जितने जूनियर प्रोग्रामर है उनका अपना डाटा चंडीगढ़ भिजवाए ताकि वो अपना सॉलिड डाटा समेकित करके अपने चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को पुटअप कर सके।